हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने सिंगोनियम प्लांट की केयर। सिंगोनियम प्लांट को हम रेनिंग सीजन में किस तरीके से बचा सकते हैं, उनकी जो लीफ येलो होने लग जाती है वो किस तरीके से होने लगते हैं, या बीच में जो स्पाउट से आने लग जाते हैं वो क्या प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, या इनकी जो लीफ है वो बन होने लग जाती है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, रेनिंग सीजन में इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगोनियम प्लांट की, इस टाइम में हम कटिंग लगा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आप तो जानती हैं कि सिंगोनियम प्लांट में जैसे जैसे हमारा सिंगोनियम प्लांट्स ऊपर की साइड बढ़ता है तो नीचे की साइड इनमें रूट्स, एरियल रूट्स आने लग जाती है, तो आप उन्हें कट करके भी पानी में डिप करके रख सकते हैं या फिर सोइल में भी लगाएंगे तो बहुत आराम से ये लग जाती है। रेनिंग सीजन में इनकी कटिंग लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिससे कि हमारे जो प्लांट है उनकी बढ़ने की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है और जो लीफ होती है वो एकदम लश ग्रीन हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम अपने सिंगोनियम के प्लांट की जो लीफ इस तरीके से बन हो रही है उसका क्या रीज़न हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब तो रेनिंग सीजन चल रही है, धूप बहुत ही कम निकलती है, लेकिन अगर इस तरीके की लीफ हो रही है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि जब आप मई जून थी उस वक्त भी या तेज़ धूप में आपने अपने प्लांट को रखा हुआ होगा, ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से इनकी जो ऊपर की टिप है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है। अगर आपका प्लांट इस तरीके से हो रहा है तो जितने भी ब्राउन लीफ हैं वो आप सीजर से लेके कट कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका जो प्लांट की लीफ है वो प्रॉपर पूरे प्लांट तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आपके जो प्लांट की लीफ है वो प्रॉपर ख़राब नहीं होगी। एक्स्ट्रा जो सूखी हुई लीफ है आप उन्हें कट करके निकाल दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेनिंग सीजन में अपने प्लांट के जो लीफ होते हैं उनमें स्पाउट से बन जाते हैं, मतलब बीच में एक धब्बा सा आ जाता है ब्लैक कलर का, वो क्यों होता है? देखिए दोस्तों, जब रेनिंग सीज़न होती है कंटिन्यू बारिश होती रहती है, लगातार बारिश होने की वजह से हमारे जो प्लांट की सोइल है उसमें नमी बनी रहती है और नमी बने रहने के कारण उसमें फंगस लग जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट के जो लीफ होती है उसमें स्पाउट से बन जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे पूरे प्लांट को ही ख़राब कर देता है। इसीलिए आपको क्या करना है, या तो कोई भी फंजीसाइड पानी में घोल करके, या हल्दी, एलोवेरा, या फिर मीठा सोडा, या हल्का सा 1 लीटर पानी में एक या दो बार फिटकरी घुमा करके अपने प्लांट को आप दे सकते हैं। आपके प्लांट की सोइल में कोई भी फंगस लगी हुई होगी तो उससे आपका जो प्लांट है वो ठीक रहेगा, हेल्दी बना रहेगा और रूट्स ख़राब होने से भी बचेंगे। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्लांट है वो ऊपर से तो हमें देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है लेकिन नीचे से हमारा जो प्लांट ख़राब होने लग जाता है। दोस्तों, इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो फंगस का अटैक हो सकता है। फंगस के अटैक के लिए मैंने अभी आपको बताया, कोई भी फंजीसाइड आप डाल सकते हैं घोल बना करके, या सूखा भी डाल देंगे तो भी आपका प्लांट बच जाएगा, हेल्दी रहेगा। दूसरा दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है, कंटिन्यू बारिश होने की वजह से सोइल में नमी बनी रहने की वजह से। दोस्तों, क्या होता है जब हमेशा नमी बनी रहेगी तो धीरे धीरे नीचे की जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम ज़्यादा पानी नहीं पी सकते वैसे ही हमारे प्लांट भी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि बारिश अभी हल्की हल्की सी रुक गई है या एक दो दिन से अभी बारिश नहीं हुई है तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर दें, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करनी है, क्योंकि दोस्तों गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होगा कि हवा नीचे तक जाएगा, मतलब सोइल में नीचे तक हवा जाएगी और आपका जो सोइल है वो भुरभुरी बनेगी, आपके प्लांट को जो नीचे तक ऑक्सीजन मिलेगी उनको, रूट्स को, इससे आपका जो प्लांट है वो थोड़ा हेल्दी बना रहेगा और उनकी जो रूट्स में ज़्यादा पानी उन्होंने जो एब्जॉर्ब किया है उसमें भी हवा लगेगी और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। दोस्तों, ये कुछ काम होते हैं जो हमें रेनिंग सीजन में ध्यान देने होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है रेनिंग सीजन में हमारे पॉट में बारिश जब होती है तो पॉट में पानी भरा रह जाता है, इससे क्या होता है धीरे धीरे पानी या तो उनका ड्रेनेज होल बंद हो चुका होता है, पानी नीचे तक नहीं जा पाता है, तो वो हमारी सोइल में ही ऐसे ही बना रहता है, तब भी हमारे प्लांट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। या तो आप सबसे पहले किसी भी टूल से आप अपने पॉट के जो ड्रेनेज होल है उनको खोलिए और
जब आप ड्रेनेज होल खोलेंगे तो दोस्तों पानी धीरे धीरे से नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा। नीचे से भी प्लांट को हवा मिलती है, प्लांट तब भी आपका हेल्दी बना रहेगा। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिसे हमें फॉलो करके अपने प्लांट को बचाना होता है। दोस्तों कितनी बार होता है कि हमारे प्लांट की जो लीफ होती हैं वो सूख करके हमारे पॉट में ही गिरती रहती हैं, और रेनिंग सीजन में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों फंगस लगने का अटैक सबसे ज़्यादा यही होता है कि लीफ जो होती है वो सूख सूख कर पॉट में गिरती रहती हैं और ऊपर से बारिश होती रहती है, तो नीचे से जो सूखी हुई लीफ रहती हैं वो गीली होने की वजह से वहाँ पे फंगस पनपना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वही फंगस सोइल में जाके हमारे प्लांट के रूट्स में लग जाता है। तो इस तरीके से भी हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। आप अपने जो प्लांट है और पॉट को क्लीन रखें, साफ़ रखें, उस दौरान अपने पॉट में एक भी लीफ ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों लीफ अगर पॉट में पड़ी रहती है तो इसका मतलब यही होगा कि हमारा जो प्लांट है उसमें फंगस लगने के सबसे ज़्यादा चांस बन जाते हैं। दोस्तों वैसे तो सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है तो दोस्तों ज़्यादा बारिश की वजह से भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर आप बार बार प्लांट्स को उठाकर इधर से उधर नहीं रख सकते हैं तो आप अपने पॉट को कवर कर सकते हैं पॉलीपैक से, जिससे कि आपके प्लांट में ज़्यादा पानी ना जाए और आपका प्लांट हेल्दी बना रहे। तो आई होप दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, आप वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।